नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से न्यूज रूम पोस्ट में। आज सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है। कहते हैं जो लोग सोमवार के दिन विधि विधान से भोले भंडारी की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें शिव की खास कृपा मिलती है। ऐसे लोगों का कभी कुछ बुरा नहीं होता है। शिव जी की पूजा के साथ ही उनका व्रत रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। शिव शंभु ऐसे भगवान हैं जिन्हें प्रसन्न करना सबसे आसान है। जैसा कि नाम से पता चलता है शिव जी भोले हैं, ऐसे में वो अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं। जितना आसान शिवजी को प्रसन्न करना है उतना ही खतरनाक इनका गुस्सा है। ऐसे में शिवजी की पूजा में सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो आपको इनके गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए आज हम आपको अपने वीडियो में बताते हैं कि शिवजी की पूजा के दौरान आपको भूल कर भी कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। वैसे तो किसी भी पूजा या फिर व्रत के दौरान महिलाओं का बाल धोना ज़रूरी होता है, लेकिन बात अगर सोमवार के व्रत की करें तो इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो इससे एक दिन पहले बाल धो लें। जो सुहागन महिलाएं, उन्हें भगवान शिव शंभू की पूजा के दौरान 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन अगर अविवाहित महिलाएं शिव जी की परिक्रमा कर रही हैं तो उन्हें केवल 1 बार परिक्रमा करनी चाहिए और वो भी आधी। कभी भी शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रहे कि व्रत मीठे से किया जाता है। कोशिश करें कि इस दिन केवल मीठी चीज़ों का ही आप सेवन करें। हालांकि अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आप नमक का सेवन कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव को सफ़ेद रंग का फूल काफ़ी पसंद है, ऐसे में उनकी पूजा में सफ़ेद रंग के फूलों को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन गलती से भी उन्हें केतकी का फूल ना चढ़ाएँ। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि शिवजी की पूजा में रोली या सिंदूर का तिलक नहीं करना चाहिए। अगर आपको शिवजी को तिलक लगाना है तो आप उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी के साथ ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।